रक्षाबंधन जिसकी एडवांस बुकिंग कल यानी कि 5 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म की अब तक की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप लोग अक्षय कुमार सर के डाई हार्ड फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर रक्षाबंधन फिल्म की डेली एडवांस बुकिंग कलेक्शन अपडेट मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें हमारे पास इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कलेक्शन की अपडेट कल रात तक की आई है और हो सकता है कि इस फिल्म ने आज सुबह तक और अच्छा कलेक्शन कर लिया हो। हालांकि दोस्तों हम बात करें फिल्म के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने कल रात तक एडवांस बुकिंग से दिल्ली ग्रोस कलेक्शन किया है 18 लाख, वहीं पर मुंबई ग्रोस कलेक्शन किया है 16 लाख, पुणे ग्रोस कलेक्शन किया है 5 लाख, चेन्नई ग्रोस कलेक्शन किया है 4 लाख, कोलकाता ग्रोस कलेक्शन किया है 3 लाख, जयपुर ग्रोस कलेक्शन किया है 3 लाख, अहमदाबाद ग्रोस कलेक्शन किया है 3 लाख, हैदराबाद ग्रोस कलेक्शन किया है 2 लाख, रायपुर ग्रोस कलेक्शन किया है 2 लाख और वहीं पर इस फिल्म ने गांधीनगर से ग्रोस कलेक्शन किया है 2 लाख। बताना चाहूंगा दोस्तों ये 10 वो सिटीज हैं जहां पर रक्षाबंधन फिल्म ने सबसे अच्छा कलेक्शन किया है और ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर इस फिल्म ने 1 और 2 लाख के आसपास कलेक्शन किया है। हालांकि दोस्तों बात करें फिल्म की अब तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन के लिए ऑलरेडी इंडिया ग्रोस कलेक्शन एडवांस बुकिंग से 67 लाख किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब कि ये कलेक्शन तो इस फिल्म ने सिर्फ कल शाम तक ही किया है और इस फिल्म ने आज सुबह तक बहुत अच्छा कलेक्शन कर लिया होगा। हालांकि दोस्तों शाम के टाइम एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इस फिल्म ने आज कितना कलेक्शन किया है। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताना कि इस फिल्म का फाइनल कलेक्शन कितनी करोड़ रहने वाला है और ये फिल्म अपनी पहले दिन कितनी करोड़ कमाएगी।